अकॉर्डिंग टू कायरा हमारी इस हैप्पी लाइफ में किसी तीसरे की जरूरत नहीं। हमें ना अब कायरा को सब सच बता देना चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने इटली के लेक कोमो में कोंकणी और सिंधी रीति रिवाज से शादी की। बीते दिन ही दोनों मुंबई से बैंगलोर रवाना हो गए हैं। इस दौरान जहां दीपिका ने ऑफ व्हाइट कलर का फ्रॉक सूट पहन रखा था, वहीं रणवीर ने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। सोशल मीडिया पर इन दोनों की ये तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगी हैं। लेकिन अब इसी बीच एक और खबर सामने आई है। सामने आई तस्वीरों और वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दीपिका के गर्दन में बना आरके का टैटू अब नहीं है। पिछले कुछ दिनों से दीपिका ऐसे ही कपड़ों में नजर आ रही थी जिसमें गर्दन पूरी तरह से ढकी हुई दिखे, लेकिन अब दीपिका के गर्दन से रणबीर कपूर का टैटू हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। इसके बाद ये साफ हो जाता है कि दीपिका अब 7 जन्मों के लिए रणवीर सिंह की बन गई हैं। इसके साथ ही वो रणबीर कपूर से जुड़ी कोई भी निशानी अपने पास नहीं रखना चाहती। बी टाउन के इस कपल की शादी काफी प्राइवेसी से हुई। दीपवीर की तस्वीरों के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। दीपिका और रणवीर की फोटो के लिए हर कोई बेताब दिख रहा था। रणवीर और दीपिका की मुलाकात संजय लीला भंसाली की रामलीला के दौरान हुई थी। इसी फिल्म से इनका प्यार परवान चढ़ा और अब शादी के मंडप तक पहुंच चुका है। दोनों ने अपने करियर में 3 सबसे सफल फिल्में बाजीराव मस्तानी, रामलीला और पद्मावत दी हैं। इनकी जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।